भी नहीं दे रहा है और साथ में रह भी नहीं रहा है। हाई कोर्ट में जा करके एक पिटीशन डाल दिया गया है कि ये खुद यूट्यूबर हैं, ये कमाती हैं। तो बोले हैं कि आज हम रेडी होंगे और तुम ना मेरा वीडियो शूट कर देना, दो तीन ठो शॉर्ट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दो तीन ठो वीडियो बनाएंगे बनाएंगे। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो अभी तक सब कुछ ठीक है। तो अभी नाश्ता करके पता ऐसे लेटे हुए थे बेड पे, और आज ना हमको मेरी एक सब्सक्राइबर है, ऐसे तो मेरे सारे सब्सक्राइबर ना बहुत ध्यान रखते हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, बहुत लोग सजेस्ट करते रहते हैं। तो उनका ना एक सजेशन हमको बहुत अच्छा लगा, वो बोले ना कि पता है दीदी आप ना कुछ शॉर्ट्स भी डालिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा जैसे रेडी वेडी होने में, और साड़ी वाड़ी जैसे सूट वूट पहन के ना तो बहुत अच्छा लगता है वो, तो वो कीजिए, वो बहुत सही भी चलता है यूट्यूब पे। तो हम ना सोचे कि हाँ हमको भी करना चाहिए। हमको पता है सबसे झमेला वाला काम क्या लगता है, मेकअप करना। हम डेली वाले लाइफ में भी पता है कभी लिपस्टिक लगा के भी आप हमको ब्लॉगिंग करते नहीं देखे होंगे। हमको ना मेकअप करना एकदम नहीं अच्छा, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे एकदम नहीं अच्छा लगता है, ठीक है अच्छा है, लेकिन कभी 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 हमेशा कोई बोले कि लिपस्टिक पोत करके और वीडियो ब्लॉगिंग करो, बड़ी मुश्किल है रे भैया। लेकिन ठीक है अभी हम कोशिश करते हैं। आज हम निक्की को बोले हैं कि आज हम रेडी होंगे और तुम ना मेरा वीडियो शूट कर देना, दो तीन ठो शॉर्ट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दो तीन ठो वीडियो बनाएंगे बनाएंगे। तो फिलहाल तो अभी निक्की नहीं है घर पे, हम ऐसे ही नाश्ता करके ना लेटे हुए थे, तो फिर हम बोले ना कि ठीक है अभी हम अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं और थोड़ी देर के बाद ना रेडी हो जाते हैं साड़ी वाड़ी पहन के, और उसके बाद ना शॉर्ट्स वीडियो निक्की से शूट करवाएंगे और हम मेरा वीडियो बनेगा। मतलब निक्की को बोले कि शूट कर देना तुम, तो देखते हैं वो आती है तो तब तक हम देखते हैं क्या पहनना है, कैसे क्या करेंगे। साड़ी पहनना ही तो हम भूल गए, हम छोड़ दिए ना एकदम एकदम छोड़ दिए तो भूल गए। लेकिन हाँ हमको अच्छा लगता है साड़ी, अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता है। हमको रेड और येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, वाइट भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रेड तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है हमको। तो देखते हैं कोई साड़ी वाड़ी निकालते हैं और पहनते हैं और तैयार होते हैं। बताइएगा आप लोग भी कैसे लग रहे हैं ना, क्योंकि पता है हमको ना मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी है, वो यहीं रहती है, हम लोग की डाल्टनगंज की है। तो कल ना वो आई थी मेरे घर पे, बहुत सुंदर लग रही थी पता है, रेड और येलो कलर का साड़ी पहनी हुई थी, पूरा सिंदूर विंदूर लगा के, रेड लिपस्टिक, बहुत अच्छी लग रही थी। और हमको भी ना मतलब जब हम भी सिंदूर वगैरह डालते थे, सिंदूर वगैरह लगाते थे, तो हमको ना लाल सिंदूर इतना पसंद था, इतना पसंद था। कभी मेरी जैसे मेरी बड़ी वाली जो नन थी ना, वो कभी साड़ी वाड़ी भी अगर देती वेती थी तो उनको पता, उनको भी ये चीज़ पता था कि इसको लाल सिंदूर बहुत पसंद है। और हमको सच में लाल सिंदूर माथे पे लगाना, वो भी थोड़ा सा नहीं, शायद ही कभी ऐसा हड़बड़ में रहे तो हम थोड़ा सा लगाते थे, नहीं तो पूरा पूरा भर मांग लाल सिंदूर लगाना हमको बहुत पसंद था, बहुत पसंद। मतलब जिंदगी कितना जल्दी बदल जाता है ना, आदमी सोचा नहीं था कि कभी हमको शादी के बाद हमको ऐसे रहना पड़ेगा, मतलब बिना बिंदी, बिंदी तो चलो ठीक है आदमी नहीं भी लगाता चलता है, लेकिन हम कभी अब ऐसे बिना सिंदूर के रहेंगे, ऐसे होके रहेंगे, ये सब शौक नहीं था, ये सब शौक नहीं था। लेकिन जिंदगी ऐसा ऐसा यू टर्न लिया है ना मेरा लाइफ एकदम, साला कभी ऐसे ऊपर कभी ऐसे नीचे, हम तो बोलते ले अगर बैलेंस बना के नहीं चले होते तो अब अभी तक कब का गिर गए होते। खैर ठीक है, जो है सब बढ़िया है, जिंदगी में हर चीज का मजा लेना चाहिए। तो हम भी थोड़ा सा वो सब बात करते ना तो इमोशनल हो जाते हैं। फिलहाल ना जा रहे साड़ी वाड़ी देखते, कुछ निकालते हैं, कुछ पहनते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं।
तो पता है ये ना नेक्स्ट डे था, दूसरा दिन। हम इतना प्लान किए कि हम शॉर्ट्स बनाएंगे, ये पहन के, साड़ी पहन के, सूट पहन के, लेकिन पता है फिर क्या हुआ, लाइट कट गया और मौसम ना पूरा अंधेरा कर दिया, बारिश होने लगा। तो फिर मन ही नहीं किया, क्योंकि फिर बारिश में तो हम भींग के बनाते नहीं कुछ भी, और छत पे जाने का मतलब ही नहीं था क्योंकि एकदम अंधेरा कर दिया था। और थोड़ा सा बारिश करके, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, थोड़ा सा बारिश हो करके, और एकदम जो होता ना उमस वाला गर्मी वैसा। फिर लाइट भी आया एकदम शाम को, एकदम शाम को आया लाइट। फिर उस समय बनाने का कोई वीडियो वीडियो मतलब ही नहीं था। यहाँ पे हम ना जिम, ये नेक्स्ट डे था, उसके बाद हम सुबह सुबह अपना जिम के लिए हम चल निकल गए थे कि जिम जाना है। और पता है तबीयत थोड़ा सा ढीला लग रहा था सुबह सुबह। और तो और जब जिम से आए ना, तो हमको पता चला कि हमको हाई कोर्ट रांची भी जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये न्यूज़, पता है, क्योंकि हम एकदम भागम भागम करने से बचते हैं, हमको ना, हम पता नहीं थक जाते बहुत जल्दी। और तो और मंडे से मौली का एग्ज़ाम है, बेटी का एग्ज़ाम है, तो उसको छोड़ के हम कैसे कैसे मैनेज करें। मतलब वेडनेसडे थर्सडे तक हमको रांची निकलना है, कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे भगवान जाने, हमको नहीं पता। लेकिन एकदम माथा ख़राब हो गया मेरा ये न्यूज़ सुन के। हम तो जा रहे थे आराम से, लेकिन आते समय मेरा 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 माथा ख़राब हो गया। घर पे आए तो वही वकील वकील से बात हुआ। उसके बाद निक्की बोली, निक्की मशरूम लाई थी, तो निक्की बोली कि मशरूम बना दो। तो फिर हम मशरूम का सब्जी बनाने लगे किचन में। हम बोले चलो ठीक है, हम मशरूम का सब्जी बना देते हैं। उधर चना उना रखा हुआ था, क्योंकि हम जिम से आके वही थोड़ा बहुत खाते हैं। और मौली के लिए आइसक्रीम का लाया था, बड़ी में भेजी थी, तो वो आइसक्रीम भी रखा हुआ था, वो खाई नहीं थी, तो अभी थोड़ा सा वो आइसक्रीम खाई और रखा ही हुआ था। और पता है ये सारा कुछ सुनने के बाद मूड इतना ख़राब हो गया था ना, इतना अपसेट हो गया था। ऐसे ख़राब मूड के साथ कभी खाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्या करें हम भी। मतलब लगता है ना कि भगवान कब तक, प्लीज़ इसको ख़त्म करें, अब नहीं होगा हमसे, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मतलब कितना ही झेलेगा आदमी। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत चना वना खा करके ना, फिर पता है हम ऐसे वीडियो शूट हाय कर रहे थे आप एवरीवन। लोग के साथ, अपना मन का शेयर किए सारा बात। कल क्या सोच सोच के हम सोचे हुए थे कि शॉर्ट्स बनाएंगे, ये वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो बनाएंगे, साड़ी पहन के वीडियो बनाएंगे, सूट पहन के वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी सब धरा का धरा रह गया। तबीयत बिगड़ा, प्लस में जब पता चला कि अभी हमको फिर से रांची जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, सच बताया तो एकदम माथा खराब हो जाता है। अब नहीं लगता, अब मन नहीं करता, एकदम नहीं मन करता है कि हम दौड़ दौड़ के जाए, कुछ भी करें। मेरा 5,000 रुपया मेंटेनेंस अलाउ हुआ था, मेंटेनेंस नहीं, इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हुआ था। और वकील भी बोला, पता है जो हमारे वकील है ना, वो बोले कि नहीं शिवानी, 5,000 ही तो अलाउ हुआ है, तो बच्चे के लिए तो वो इतना तो दे ही देंगे। हमको भी ये उम्मीद नहीं था कि उस 5,000 इंट्रीम को रोकने के लिए वो बंदा, वो फैमिली हाई कोर्ट तक जा सकता है। हाई कोर्ट में जा करके एक पिटीशन डाल दिया गया है कि ये खुद यूट्यूबर हैं, ये कमाती हैं, और हम 5,000 रुपया देने लायक भी नहीं हैं। और इस ये जो मेंटेनेंस इंट्रीम जो हुआ है, इसको खारिज किया जाए। अभी हाई कोर्ट जाने में पता है वहां का काम, प्लस में रांची में मेरा एक और काम है, मिला करके 25 से 30 हज़ार का खर्चा। और आज सुबह वकील का फोन आया, रांची में एक वकील है हमारे, जो पहले, बहुत पहले जब रांची में केस किया हुआ था ना, तो सारा केस वही देख रहे थे। तो वहाँ पे तो प्राइवेट वकील ही है, वहाँ पे तो कोई सरकारी वकील है नहीं, तो वो बोले कि आपको आना पड़ेगा रांची और ये करवाने के लिए, ये काम करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब हमको भी, मेरा भी पेशी है। तो पता है मन एकदम ना टूट सा जाता है, एकदम लगता है कि क्या हो रहा है ना मेरे साथ, लगता है कब ये ख़त्म हो जाए, कब ख़त्म हो जाए। अगर हम यूट्यूबर है, यूट्यूब से कमा भी रहे, तो ये भी तो देखना चाहिए ना सामने वाला को कि
पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। मतलब एकदम जो बोला जाता है ना कि शरीर का एक एक नहीं उसको बोलेंगे, नहीं तो चैनल में प्रॉब्लम हो जाएगा। इंसान को कहीं का नहीं छोड़ना, वैसा किया है, वैसा किया। जिसको छोड़ना भी होता पता है वो सेटलमेंट करके छोड़ देता, लेकिन यहाँ पे मेन मकसद, मेन मोटिव परेशान करना है, इसलिए बंदा छोड़ भी नहीं रहा है। पता है मौलिका ना मंडे से एग्जाम शुरू है, उसका टेस्ट शुरू है, और ट्यूसडे या वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे या थर्सडे तक हमको निकलना होगा रांची। जब से वकील से बात हुआ है ना, मेरा पता है तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। क्या करे क्या नहीं करे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एकदम जैसे लगता है ना कि इंसान टूट सा गया है। अब लगता है कि बस यार अब मेरे में हिम्मत नहीं बचा है लड़ने का। कितना लड़े कितना लड़े, सामने वाला तो फाइट कर रहा है तो वो उसके फैमिली दिखावे में नहीं आते हैं, जो हमारे प्रिय ससुर जी हैं वो दिखावे में नहीं आते हैं, लेकिन पूरा अहम रोल उन्हीं का है, उनकी बहन का, उनके बहनोई का, पूरा पूरा रोल निभाते हैं वो लोग। बच्चे का खर्चा नहीं दे करके ना, ठीक है बच्चा सिर्फ मेरा नहीं था, याद रखना बच्चा हम अपने मायके से नहीं लेके गए थे। जितना तुम लोग गेम खेल रहे हो ना, खेल लो खेल लो, मेरा भी दिन बदलेगा। और बद्दुआ निकलना बंद हो गया मुंह से पता है, क्योंकि हम उठपटांग बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या ब्लॉगिंग कीजिएगा आप, क्या अलग कंटेंट लाइएगा, क्या जो हो रहा है जीवन में, जो प्रैक्टिकल हम झेल रहे हैं, जो सारा कुछ चल रहा है वही दिखाएंगे ना। अभी फिर से हाई कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से 2-3 साल पहले हाई कोर्ट से पीछा छुड़ाया, मतलब हाई कोर्ट का केस ट्रांसफ़र करवा के डाल्टनगंज लाए थे। उस समय भी पैसा नहीं था, पैसा कैसे कैसे अरेंज करके उसके बाद लाए थे। पता सिर पकड़ लेता है सारा कुछ, एक एक चीज़ सोच सोच के। कभी कभी तो लगता है ना कि कहीं मेरा हार्ट अटैक ना आ जाए, इतना सोचना हो जाता है, इतना सोचना हो जाता है। कभी कभी लगता है कि बैठे बैठे कहीं हम ऊपर ना चल जाए, एक ही बार सब सब ख़त्म सब ख़त्म। क्योंकि कोई कितना नीचे गिर सकता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हाई कोर्ट का ये जो किया हुआ है ना, ये अभी वकील निकाल के दिए हमको, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है। और हम इतना धीरे धीरे इतना शांति से बोल भी रहे, पता है क्यों? मेरा आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है, मेरा सिर इतना दर्द दे रहा है ना, इतना दर्द। कल तक हम सही सलामत थे, कल तक खुश थे कि चलो ठीक है जा रहे शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे। आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, बस सोच हो जाता है पता है, बहुत सोच हो जाता है कि क्या करें हम, कहाँ कंसंट्रेट करें, कहाँ फोकस करें। अभी कुछ काम शुरू करना चाह रहे थे, अब इसके पीछे कि आपको फिर से भाग के जाना पड़ेगा कोर्ट। कोर्ट में देखा जाए तो होता कुछ नहीं है, लेकिन परेशानी दम भर होता है। वहाँ का वकील, वहाँ का जज, वहाँ का पेशी, प्लस में पता है सब कुछ हो जाता है। वहाँ पे जाइए तो फिर या तो फ्रेंड के घर रुकिए, फिर रुकने का तो ठीक है फिर भी हो जाएगा, दोस्त है वहाँ पे मेरी तो रुक जाते हैं उसी के घर पे, लेकिन बहुत परेशानी हो जाता है भाग के आना भाग के जाना। कैसा है ना इंसान, मतलब छोड़ भी नहीं रहा है, जाने भी नहीं दे रहा है, और साथ में रह भी नहीं रहा है। जब ऊपर वाला अपने लाठी बजाएगा ना, याद रखना
शोर नहीं होगा लेकिन चोट बहुत जोर लगने वाला है। ये चीज़ अगर पहले थोड़ा सा कर लिया होता ना ये लोग, कि मान लीजिए ठीक है पैसा नहीं है, पैसा नहीं देने, जो भी, साथ में रह सकते हो ना, बच्चे को रख सकते हो ना, साथ में रहोगे तो बच्चे का खर्चा तो तुम देखोगे ही, अभी अगर साथ में रहता तो बच्चे का खर्चा तो देखता ही। 3 साल बीत गया, 3 साल में लोग 3 रुपया नहीं पूछा। कुछ यहाँ पे बहुत जानकार लोग हमको भी बोलते हैं ना उठपटांग आकर के, सिर्फ उस घर में रहने का मोटिव नहीं है भाई, जो लोग ये कमेंट करते हैं ना कि घर में घुस जाइए, मेरे वजह से तो घर बंद करके रखा हुआ है यहाँ पे, खुला रहता तो घुस भी जाते हैं। 3 साल से वो घर बंद है, जो डाल्टनगंज वाला घर है जो आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे, वो 3 साल से बंद है। हमारे चाचा ससुर जी का जब डेथ हुआ यहाँ पे, उसके बाद से वो घर कम्प्लीटली बंद है, ना घर में दिया ना बत्ती कुछ नहीं होता है। सोचिए वो घर कैसे खंडहर हो गया है, वहाँ रहने लायक है? हम तो कई बार सपने में अपने चाचा ससुर को देखे हैं, वो काला रंग का शॉल ओढ़े रहते थे, कई बार उनको हम देखे, कई बार सपने में उनके डेथ होने के बाद। जो इनकी बहन लोग कराई है ना, जो बहनोई लोग से मिल के कराया है, और खैर मेरा भी पति का दिमाग नहीं था, अगर उसका दिमाग होता तो ये करता नहीं, जो करवाया ठीक करवाया, बहुत बढ़िया करवाया है, और सबको भगवान बाल बच्चा दिया है, सबको दिया है, आज नहीं तो कल ना उसका परिणाम भी मिलेगा ही मिलेगा, मत चिंता करो। हम तो जाएंगे ही, जब हाईकोर्ट से फिर से बुलावा आया है हम जाएंगे ही, कर लो नौटंकी, बस कर लो।